हेलो स्कॉर्पियोज, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपके पर्सन की पास्ट एनर्जीज, करंट एनर्जीज और फ्यूचर एनर्जीज के हवाले से रीडिंग है, और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। आपसे अपन मैसेजेस को कंसीडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अगर आप मुझे पर्सनली रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं इन पास्ट में, स्कॉर्पियो के पर्सन की क्या एनर्जीज थी फॉर स्कॉर्पियो। ओके, किंग ऑफ कप्स, जो पास्ट में आपके पर्सन की एनर्जी थी वो बिल्कुल रिलैक्स्ड, कूल, काल और बिल्कुल ही अपने इमोशंस में वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड थे। हो सकता है वो उनको पता हो कि उनकी लव लाइफ में उनके पास कौन है और किसको वो चाहते हैं, और बिल्कुल रिलैक्स्ड और काल्म एनर्जीज़ हैं, कि जैसे सुकून और इत्मीनान वाला एहसास होता है। ये भी हो सकता है। इसके अलावा आपके पर्सन जो है वो पास में आपसे जो है वो इजहार मोहब्बत नहीं कर सकते थे, उनके दिल में क्या है वो आपको नहीं बता सकते थे, या नहीं बताना चाहते थे, या नहीं बताते थे। इट्स काइंड ऑफ एनर्जी, उनकी एनर्जी पास में थी। लेट्स सी, इसको क्लियरफाई करते हैं कि किस कार्ड से क्लियरफाई होता है ये। Clarify, King of Cups. Okay. For Scorpio, person past energy. Okay, the world. हो सकता है यहाँ पे कुछ cultural difference हो आप में और इन पर्सन में, जिसकी वजह से cultural difference या religion difference, कुछ ना कुछ आप लोगों की life में कुछ difference था जिसकी वजह से वो अपनी feelings को आप को नहीं बताते थे। कुछ लोगों के लिए कल्चरल डिफरेंस हो सकता है, कुछ लोगों के लिए प्लेस का डिफरेंस हो सकता है कि आप लोग अलग अलग कंट्रीज से हो सकते हैं, तो ये सिचुएशन हो सकती है, या फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो सकता है। सो कुछ डिफरेंस आप लोगों की लाइफ में था जिसकी वजह से आपकी और आपके पर्सन की जो लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा उसमें फीलिंग्स नहीं थी। आपकी जो करंट एनर्जी है उसमें अब जो है आपके पर्सन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रिलेशनशिप जिसमें दोनों दो लोग जो होते हैं वो मिलकर जो अंडरस्टैंडिंग से एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, वो वाली एनर्जी आपके पर्सन की है कि लाइक ऐसा टीम वर्क वो काम करके इस सिचुएशन को, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लाइक स्कॉर्पियो आपके जो पार्टनर हैं, टेन ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली वो पर्सन जो है, या तो आपके लिए टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी आया था, टू ऑफ सोर्ड्स, तो इट्स मीन कि वो किसी न किसी हद तक कंफ्यूज्ड भी हैं, लेकिन इंडिसाइसिव भी हैं, बट वो कॉम्प्रोमाइज लाइक वो रिलेशनशिप को बिल्ड करने में ज़्यादा उनका जो है ध्यान है, और वो चाहते हैं कि वो उनकी एक हैप्पी रिलेशनशिप हो आपके साथ। हो सकता है पास में कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आप लोगों के होते थे जिसकी वजह से अब नहीं ऐसा है। सो लेट्स सी कि फ्यूचर में क्या एनर्जीज रहेंगे आपके पार्टनर की। या तो यहाँ पे फाइनेंशियल कोई नई जॉब आपकी हुई है आपके पर्सन की, या आपकी जिससे आपको इमोशनली थोड़ी सेटिस्फैक्शन मिली है। ओके, देखते हैं कि फ्यूचर एनर्जीज आपके पार्टनर की क्या हो सकती हैं। स्कॉर्पियोज, स्कॉर्पियोज पार्टनर फ्यूचर एनर्जी, समथिंग लाइक आपके और आपके पर्सन के दरमियान जो है वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आई है आपकी पर्सन की तरफ से, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हैं। और हो सकता है वो पहले अगर इमोशंस का इजहार नहीं करते तो अब वो इमोशंस का इजहार कर रहे हैं। लाइक उन्होंने क्लोज्ड ऑफ थे तो अब जो है वो अपने इमोशंस का इजहार करते हैं। हैप्पी फैमिली काइंड रिलेशनशिप चल रहा है आपका आपके पार्टनर के साथ। फ्यूचर में देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं, और मैसेजेस फॉर फ्यूचर। ओके, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एंड लाइक वो इस सिचुएशन को प्रोटेक्ट करना भी चाहते हैं। दो के वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप बिल्ड हो, बट कहीं ना कहीं वो अभी भी जैसे मैंने कहा कि वो कन्फ्यूज़ हैं, इंडिसाइसिव हैं,
तो अभी वो थोड़े डिफेंसिव हो रहे हैं, वो पूरी तरीके से आपकी तरफ इन्वॉल्व नहीं हो रहे, बट यहाँ पर इसको जो क्लेरिफाई कर रहा है वो पेज ऑफ पेंटिकल है। सो वो पर्सन आपकी तरफ इनिशियल स्टेप तो ले रहे हैं, लाइक वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सब कुछ, लाइक जो इमोशनल फुलफिलमेंट होती है वो इनिशियल स्टेप्स तो ले रहे हैं वो आपकी तरफ, लाइक जो क्या कहते हैं स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी की तरफ वो इनिशियल स्टेप तो ले रहे हैं, बट वो चाहते हैं कि ये इसमें जो है वो लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन रहे, और तो वो अपनी तरफ से इसको प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं, चाहेंगे इन फ्यूचर में। सो या फिर वो थोड़ी बहुत डिफेंसिव साइड पे रहेंगे, अपने आप को सेफ साइड पे भी रखने की कोशिश करेंगे। दो के वो अभी आपसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चल रहे हैं, बट इस रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी को वो प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को डिफेंसिव साइड पे भी रखेंगे। लाइक अगर आपकी तरफ से उन्हें फुल कमिटमेंट नहीं मिलती तो वो अपने अदर ऑप्शंस भी ओपन रख सकते हैं। सो स्कॉर्पियो, ये थी आपकी पार्टनर की पास्ट करंट एंड फ्यूचर एनर्जीज। इफ इट रेजोनेट्स यू प्लीज़ हेल्प मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।